हेलो दोस्तों, आज हम आपको यूपीपीएससी ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर के एग्ज़ाम के लिए एक प्रैक्टिस सेट से 25 क्वेश्चन की तैयारी करवाने जा रहे हैं। आशा है ये वीडियो आपके लिए बहुत ही उपयोगी होगा। प्रश्न नंबर एक, कौन सा प्रजातांत्रिक देश स्वरूप से संघात्मक परंतु प्रकृति में एकात्मक कहा जाता है? इसका उत्तर है भारत। जी हाँ, भारत प्रजातांत्रिक देश है जो स्वरूप में संघात्मक परंतु प्रकृति में एकात्मक कहा जाता है। प्रश्न नंबर दो, किस संवैधानिक सरकार के दो आधारभूत मूल्य क्या होते हैं? किसी संवैधानिक सरकार के दो आधारभूत मूल्य होते हैं स्थिरता एवं स्वतंत्रता। भारत का सबसे छोटा क्षेत्रफल में संघ शासित प्रदेश कौन सा है? भारत का सबसे छोटा क्षेत्रफल में संघ शासित प्रदेश लक्षद्वीप है। राज्यसभा में होते हैं, जी हाँ, राज्यसभा में 250 सदस्य होते हैं जिसमें से 12 सदस्य भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। शून्य आधारित बजट किसे कहते हैं? शून्य आधारित बजट प्रत्येक बार नए सिरे से बजट तैयार करने को शून्य आधारित बजट कहा जाता है। भारत का संविधान स्पष्टतः प्रेस की आजादी की व्यवस्था नहीं करता, किंतु यह आजादी अंतर्निहित है अनुच्छेद 19(1)(अ) में। जी हाँ, प्रेस की आजादी की व्यवस्था अंतर्निहित है 19(1)(अ) में। प्रश्न सात, किस अनुच्छेद के अनुसार भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है? अनुच्छेद 352 में। किस अनुच्छेद के द्वारा भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है? अनुच्छेद 352 में। ये अत्यंत इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, ये अधिकतर सभी एग्जाम्स में जरूर पूछा जाता है। राष्ट्रपति किसकी अनुशंसा पर लोकसभा को भंग कर सकता है? राष्ट्रपति किसकी अनुशंसा पर लोकसभा को भंग कर सकते हैं? तो उत्तर है इसका केंद्रीय मंत्रिमंडल की अनुशंसा पर। कल्याणकारी राज्य की अवधारणा संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? कल्याणकारी राज्य की अवधारणा संविधान के 38वें अनुच्छेद में वर्णित है। विश्व का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? विश्व का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी कोटोपैक्सी है। जी हाँ, विश्व का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी कोटोपैक्सी है। हमारा सौरमंडल निम्नलिखित में से किसकी एक छोटी सी इकाई है? हमारा सौरमंडल दुग्ध मेखला की एक छोटी सी इकाई है। हिंदू संवर्धि दर की संकल्पना किसने दी? हिंदू संवर्धि दर की संकल्पना प्रोफेसर राजकृष्ण ने दी। डिएगो गार्सिया द्वीप कहाँ स्थित है? डिएगो गार्सिया द्वीप हिंद महासागर में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना नर्मदा नदी पर स्थित नहीं है? जी हाँ, ऐसे क्वेश्चन में आपको नहीं का ध्यान जरूर रखना है, क्योंकि अधिकतर लोग यही गलती करते हैं कि क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक न पढ़ने के कारण नहीं को वो ध्यान नहीं देते। तो इसमें क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि कौन सी परियोजना नर्मदा नदी पर स्थित नहीं है, तो इसका उत्तर है कोयना विद्युत परियोजना। आदर्श मानसून प्रणाली किसमें विकसित होती है? आदर्श मानसून प्रणाली भारत में विकसित होती है। अखनूर पुल किस नदी पर बनाया गया है? अखनूर पुल चिनाब नदी पर बनाया गया है। प्रश्न 17, भारत के किस राज्य में अनुसूचित जनजातियों की आबादी का प्रतिशत उच्चतम है?
तो मिजोरम राज्य में अनुसूचित जनजातियों की आबादी का प्रतिशत उच्चतम है। निम्नलिखित में से किस शहर में भारतीय पेट्रोलियम अनुसंधान संस्थान स्थित है? तो देहरादून में भारतीय पेट्रोलियम अनुसंधान संस्थान स्थित है। प्रश्न 19, भारत की मिट्टियों में आमतौर पर निम्न में से किसकी कमी पाई जाती है? तो भारत में जो मिट्टियां मिलती हैं उनमें आमतौर पर जैव पदार्थों की कमी पाई जाती है। प्रश्न 20, निम्न नदियों में से कौन सी अरब सागर में गिरती है? तो अरब सागर में केवल दो नदियां गिरती हैं, नर्मदा और ताप्ती। यहाँ ऑप्शंस में ताप्ती दिया गया है, तो अरब सागर में ताप्ती नदी गिरती है। इंदिरा गांधी नहर का स्रोत है, नहर का स्रोत क्या है? जी हाँ, हरी के बैराज इंदिरा गांधी नहर का स्रोत है। प्रश्न 22, निम्न में से कौन सी नकदी फसल नहीं है? तो धान नकदी फसल नहीं है, बाकी पटसन, काजू और रबड़ नकदी फसल है। भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ लगती है? तो भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा, जी हाँ, स्थलीय सीमा पर यहाँ पर जोर दिया गया है, तो वो बांग्लादेश के साथ लगती है। प्रश्न 24, पश्चिमी भारत में दक्षिण पार्श्व के क्षेत्र अधिकतर किस प्रकार की मिट्टी वाले हैं? तो पश्चिम भारत में दक्षिण पार्श्व के क्षेत्र अधिकतर काली मिट्टी वाले हैं। प्रश्न 25, सूची एक को सूची दो से सुमेलित कीजिए। राजस्थान, सीता माता, असम, मानस, उड़ीसा, सिमलीपाल, कर्नाटक, बांदीपुर। तो इसके जो ऑप्शन है वो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, जिसमें जो हमने सुमेलित किए हैं उसी के अनुसार किए हैं, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। तो ये 25 प्रश्न थे जो आपके लिए अत्यंत उपयोगी होने वाले हैं आने वाले एग्जाम्स के लिए। इसी तरह की सीरीज हम आपके लिए लाते रहेंगे जो आपको आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में हेल्प करेंगे। धन्यवाद।